गुड मॉर्निंग दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये सत्यपाल भाई आ रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा जिला है मंडी, उसके पास एक बाबा कमरू नाग, बहुत ही अच्छा धाम है। तो आज हम वही आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं और हिमाचल की खूबसूरत वादियां आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा थकान हो रही है, बहुत ज्यादा। और इधर परमानेंट रास्ता भी नहीं है, बट ऐसा ही टेम्परेरी रास्ता है। तो देख सकते हैं वो ऊपर सत्यपाल रात थक गए हैं और ये हमारे रवि भाई। नेक्स्ट यात्रा चूड़ा जय बोले। गुड गुड, बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर आके, लोकेशन बहुत ही अच्छी है इधर की। व्यू कराया अब मैं आपको कुछ नया व्यू दिखाने वाला हूँ। So, let's see! देख सकते हैं ये कमाल का व्यू। और ये आलू की खेती, चढ़ाई बहुत ज्यादा चढ़ने के लिए, वो सामने ऊपर चोटी दिखाई दे रही है, उधर अभी हमें जाना है। तो काफी लंबी यात्रा है बट फिर भी हम तय कर रहे हैं इसको धीरे धीरे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अभी यात्रा आरंभ कर दिए हैं और जा रहे हैं बाबा कमरू नाग की तरफ। और पीछे सत्यपाल भाई, अजय भाई और सबसे लास्ट में है हमारे रवि भाई, जो कि हम हेलमेट लगा रखा है जो कि हमारे साथ बद्दी से आए हैं सभी लोग। और ये साइड का लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, कमाल का है, बहुत ही खूबसूरत। और ये जगह है हिमाचल में, एक्चुअली मंडी एक जिला पड़ता है हिमाचल के अंदर, तो उसके पास में ही ये जगह पड़ती है। तो हमें रवि भाई और अजय भाई लेकर आए हैं यहाँ पे घुमाने के लिए। इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम कि हमें इतनी अच्छी जगह पे लेके आए। और सच में बहुत ही खूबसूरत नजारे हैं यहाँ के, क्योंकि ये देखिए, लेट्स सी पहाड़ी आलू सच में मैंने आज से पहले ऐसी पहाड़ियां, ऐसे व्यूज कभी नहीं देखे, क्योंकि ऐसा अक्सर मैंने फिल्मों में देखा है, रियलिटी में कभी नहीं देखा। बट यहाँ पे नजारे कुछ अलग ही हैं। ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ
इस तरीके की चढ़ाई है बाबा कमरूनाग के लिए। तो जो लोग भी आना चाहते हैं बाबा कमरूनाग के दर्शन करने के लिए, तो वो देख लें कि ऐसे रास्तों से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। और ये वादियाँ, और ये हमारे सत्यपाल भाई, और ये हमारे अजय भाई, और वो सबसे लास्ट में रहे रवि भाई, वो भी अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बाकी आप लोग ये लोकेशन देख सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उस साइड में देखिए आप लोग धूप निकल रखी है, और इधर ऐसा लग रहा है अभी दिन भी नहीं निकला है, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह का टाइम हुआ है, 4-5 बज रहे हैं, लेकिन उस साइड में धूप निकली हुई है। तो ये बहुत ही कमाल की जगह है और कमाल की लोकेशन है। बाकी ये आप लोग देख सकते हैं इधर, ये छोटे छोटे इनके खेत बने हुए हैं, और ये व्यू मेरे को सच में बहुत ही पसंद आया। और ये हिमाचल में देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके के घर बने हुए होते हैं। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बोलो कमरूनाग बाबा की जय। चढ़ाई चढ़ते जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, बाबा का नाम लेते जाओ, जय महादेव। बाकी ये सच में व्यू बहुत ही कमाल का है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले की। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, दोस्त लोग कैसे शॉर्टकट मार रहे हैं। और ये चढ़ाई प्लस ये सामने का व्यू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग, वो ऊपर चोटी रही, वहां से लोग आ रहे हैं। और ये बाकी ये इधर का नजारा, और ये हमारे दोस्त लोग आते हुए, हर हर महादेव। दोस्तों लाइफ में मैं ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि कहीं भी पहाड़ पे मैं ये झाड़ियां पकड़ के चढ़ रहा हूँ। यहाँ वैसी कोई रास्ता नहीं है, थकान बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ घास जो है ना उसको पकड़ के चढ़ना पड़ रहा है। अब जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ कोई रास्ता है नहीं है, बट फिर भी हमें इन्हीं रास्ताओं से होकर गुजरना पड़ रहा है। बाकी अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग हैं, वरना अजय भाई बता रहे थे हमें कि बहुत भयंकर भीड़ लगती है यहाँ पे, लाइन लगती है लंबी। यहाँ सेम वैसा ही है जैसे पूर्णागिरी में परसों पहले जब रोड नहीं होते थे तो लोग घास वगैरह पकड़ के चढ़ा करते थे, सेम वैसा ही है। अभी ये देख लो यहाँ कोई रास्ता दिख रही है नहीं, बट हमें यहाँ से ही चढ़ना होगा। अभी सच में बहुत अद्भुत नजारा है, ये देख सकते हैं आप लोग यहां से थोड़ा कितना अद्भुत नजारा है। पूरा हिमाचल दिखाई दे रहा है यहां से, थकान बहुत ज्यादा हो रही है। ये सत्यपाल भाई आते हुए, और वो अजय भाई। बाकी सच में थकान कुछ ज्यादा ही हो रही है। बाकी कुछ ऊपर श्रद्धालु आ रहे हैं, दिखाता हूँ मैं अभी आपको, वो देख सकते हैं आप लोग ऊपर। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां मुझे भी बहुत डर लग रहा है चढ़ते हुए, सच बताऊं तो। नीचे का नजारा देख सकते हैं, और ये सूर्य की किरणें पड़ रही हैं,
तो आप लोग देख सकते हैं इधर कोई नहीं। तो ये रास्ते आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये सत्यपाल भाई आ रहे हैं और रास्ता सच में बहुत ही दुर्बल है। सत्यपाल भाई थोड़ा बताएंगे रास्ते के बारे में कैसा है? रास्ते बहुत कठिन है, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। तो कैसा लग रहा है आपको इधर आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ की सुंदरता देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है हमें यहाँ की हसीन वादियों को देखकर सच में। और ऊपर से यहाँ पे फूल चुके हैं, आप देख ही सकते हैं आवाज कैसी हो गई मेरी। सच में चढ़ाई बहुत ज्यादा है और बाकी ये खूबसूरत वादियाँ आप लोग देख सकते हैं हिमाचल की। और बाकी वो रहे हमारे और दोस्त लोग, वो सामने वो आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसी ऐसी रास्ता है और ऐसे चढ़ना। बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये पॉलीथीन लगी हुई है और इनमें सेब की खेती होती है। बाकी ये व्यू कमाल का है। और ये रहे हमारे सारे दोस्त लोग, फिर आपको एक नजारा दिखाते हैं। ये और ये हसीन वादियां, और ये हमारे रवि भाई चलते हुए। बाकी ये नीचे का नजारा और ये रहा रास्ता।